अस्सलाम वालेकुम साथियों, छोटा छोटा सलीका के जो क्लिप्स हमने अपलोड किए, बहुत से साथी उसकी अमूमन फरमाइश करते हैं कि वो और अपलोड होने चाहिए। उसमें साथियों ने बहुत कुछ सीखा। तो अभी ये देखें हमारा हाल हम बर्तन धो रहे थे और हमें ख्याल आया, रात को भी हम सोच रहे थे, हमने सोचा कि हम सारे जो क्लिप्स हमने अपलोड किए हैं वो दोबारा से सुनते हैं ताकि हमें पता तो हो कि हमने क्या बात बता दी और क्या रह गई। तो कल हमने चटनी बनाई और चटनी बना के हमने फ्रीजर में रखी। दिखाते हैं, एक हाथ से अगर निकले तो फिर है ये, देखा आपने, ये हार्ड हो गई है। तो इसमें हमने, ये पूरे जिप लॉक बैग्स हैं, हम इसको ना ही हिलाएं आराम से उतर जाएगी। तो अमूमन मियाँ साहब जो हैं वो कहते हैं कि वो चटनी नहीं बनाई, अब वो चटनी जो है वो ये है तो इमली की चटनी का पूछते हैं। इसमें धनिया, पुदीना, हरी मिर्चें, सुरख मिर्च पिसी हुई और नमक है ओनली, इसमें और कुछ नहीं डालते, इसका जायका ख़राब हो जाता है। तो हम आपको दिखाएं कि ये वाला जो कटोरा है, ये वाला जो साइज है, ये बड़ा सारा यहाँ रखा हुआ, अभी आपको अंदाजा हो जाएगा कि कितना बड़ा है। हाथ के अगेंस्ट आप देखिए ना, आपको पता लगेगा कि हमारे हाथ के अगेंस्ट ये कटोरा कितना बड़ा है। तो ये वाला जो कटोरा है ये हमने धनिया पुदीने से बराबर का लेके जितना धनिया उतना ही पुदीना भर लिया अच्छी तरह। और इसके बाद हमने इमली ली है, इमली का पूरा पैकेट लिया है, मगर बिन में से हमें वो पैकेट दिखाई दे तो हम आपको उसका वजन भी बता सकें। बहरहाल बाहर वो रखे हुए हैं, चले ही जाते हैं, नहीं तो फिर साथी पूछेंगे कि बेटा ये ट्रे अंदर रख दो। तो ये इमली की चटनी है, ये देखें जो हमने निकाली है आपको दिखाने के लिए, तो उसमें इतनी बनी है जो हम आपको पैकेट दिखाने लगे हैं। जाते हैं बाहर, ब्राइट डे, सनी डे, घास काटी कल, और इधर आते हैं। ये हमारी देखें वो है प्याज की, हमने यहाँ पर एक रैग हमेशा रखा होता है कि हम कहीं से झाड़ पोछ करनी हो तो कर जाएं। पिछली बार ये पंपकिन हम ऊपर रखते हैं, बटरनट जो रखा हुआ है, पिछली बार इसको सल्फर क्रेस्ट खा गए कॉकाटूज जो हैं तोते, तो वो फिर इस दफ़ा हमने नीचे रखा है। अमूमन हम आते हैं साफ करते हैं। ये अभी अनियन का बैग है जो मंगवाया हुआ है, और हमारे मॉप्स वगैरह जो हैं वो यहाँ होते हैं, और ऐवान जो है वो इनके पीछे होता है, इस वजह से हम आके सीधे करके जाते हैं और वो उल्टा के जाता है। ये हमारी वो अलमारी, पेंट्री जिसे कहते हैं, ये देखें जिन दिनों में कोविड था उन दिनों में ये फिर हमने मंगवा के रखी थी कि लहसुन अदरक ना मिला। तो ये क्रोबार हमारे माली की, जो फौत हो चुका उसकी निशानी, उसकी बीवी से पूछ के हमने रख ली, वो यहाँ रखा करता था, तो हमने कहा कि उसकी यादगार के लिए हमें रखने दें। सबसे बेहतरीन टी जो ऑस्ट्रेलिया में मिल जाती है, पीजी टिप्स, हम लोगों के घर में तो खैर एक और ही चाय है जो पीते हैं, जो गोल्डन मार्क एंड स्पेंसर की है वो पीते हैं। दूध और ये आटा, इसकी जगह ये नहीं है, पत्ती हम यहाँ रखते हैं और आटा हम वहाँ रखते हैं, तो ये हमने आके ठीक करना है। और पीछे पाउडर मिल्क है वो यहाँ होता है, तो ये हमारा चक्कर लगने वाला है यहाँ पर। ये जो चीज़ हमारे घर की जैसी होती है हम आपको वैसी ही दिखाते हैं, हमने कभी आके उसको पहले सीधा नहीं किया है, तो बिल्कुल एक आम लाइफस्टाइल है जो आप यहाँ देख सकते हैं। ये नीचे कुकिंग ऑयल्स थे, ये ऑलिव ऑयल हैं जो यूज़ करते हैं, वो बैग्स हैं। ये टोमेटो पेस्ट जो है वो यहाँ होना चाहिए, टोमेटो पेस्ट की जगह यहाँ है। तो आए हम हैं आपको इमली दिखाने, दिखाते हैं क्या इमली है ये कमाल की, ऐसी इमली बहुत कम मिलती है। और देखती है ये देखें, ये पूरा पैकेट जो है इमली का, इसका वजन देखें, ठीक है, ये हमने पूरा उस भरे हुए कटोरे में, इसमें सीड नहीं है, ये सीडलेस है, गूदा है, लेकिन इसको गर्म पानी में हमने भिगो दिया था एक उससे छोटे कटोरे में, उसके बाद हमने उसको मसला है, मसल के हमने उसको जब वो गूदा बन गया दही फेंटे हुए दही की तरह गाढ़ा, फिर हमने उसको छाना है, पल्प फिर रह गया, पल्प जो रह गया उसमें हमने छान के पल्प में फिर पानी डाला है और फिर उसको मसला है, फिर वो पल्प धुल गया, फिर ऐसे सादे से क्लियर से छिलके जो हैं वो बचे वो फेंके हमने,
उसके बाद हमने जो छाना है उसको हमने डाला है जो निंजा है उसमें, जग जो होता है उसमें डाला है। तो वो जग जो है वो आपने अमूमन देखा होगा, उसके साथ की छोटी मशीन हम यूज करते हैं उसमें डाला है, और डाल के उसमें हमने ये चटनी बनाई है। 1 टीस्पून हमने चिली का डाला है, 1 टीस्पून हमने सॉल्ट का डाला है, फुल 5 ml का। और जग दिखा दें किसमें बनाई है, इसमें, इस वाले में बनाई है, इस जग में। तो जो मिल्क शेकर है उसमें बना सकते हैं, डिपेंड करता है कि कैसे वो पीसता है। और वो चटनी जो है पीस के हमने फ्रीज कर ली है, वो ताज़ी की ताज़ी रहेगी। उसमें हैंडफुल हरी मिर्चें डाली हैं, कोई 20 हरी मिर्चें होंगी, इंडियन जो इंडिया की फ्रोज़न ग्रीन चिली आती हैं, अशोका की भी आती हैं, और भी ब्रांड्स हैं, सभी अच्छे हैं हरी मिर्चों के जो इंडिया से आते हैं। वो हमने हैंडफुल डाली होंगी, 20-25 खूब सारी। सॉल्ट 1 टीस्पून हमने इसलिए डाला है कि इस इमली में नमक होता है, तो हमने सिर्फ उतना ही डालना है जितना हमको हरी मिर्चों, धनिए और पुदीने के लिए चाहिए, क्योंकि इमली में जो नमक है वो पूरा होता है। अब जो हम दिखाने लगे थे आपको ग्लव उतार के, वो ये था कि बच्चों की जो ये बॉटल्स होती हैं प्लास्टिक की, या इसमें तो खैर लाइनर है, आपको साफ नहीं दिखेगी, ये वाली जो है, ये हम अपने बच्चों को कभी सांपों से नहीं धोने देते, कूचे से नहीं धोने देते, ब्रश से नहीं धोने देते, ना हमने कभी धोई। इधर अभी थी सोनी की बॉटल, ये देखें, देखा आपने, ये सोनी की बॉटल है। सोनी अब माशाल्लाह से जवान है, उसकी ये लेटेक्स की है, और हमने हमेशा ये डिस्पोजेबल ही यूज़ किए हैं। इसकी टीट उसने बदल ली बेटी ने, और ये देखें ये यूँ होती है, तो इसमें लाइनर लगता है। ये सोनी की बॉटल्स हैं जो एवान यूज़ कर रहा है, बहुत खूबसूरत, इसमें सारे कलर्स थे हमारे पास, ये हमने संभाल के रखी यादगार के तौर पे। और ये सारी हम सीधी करके जाते हैं, देखें चीज़ें दिन रात, बच्चा आता है और बच्चे जो हैं वो यहाँ से गुजरे और ऐवान ही खींच के खोल लेता है, तो ये सारी गिर जाती हैं। तो ये जैसे कि हमने कहा, जैसा जो होता है हम वैसा ही खोल खाल के दिखा देते हैं आपको, तो हमारी जो काहिलियाँ हैं उनको भी इग्नोर किया करें, और इनको कभी भी इस सांपों से या ब्रश से नहीं धोना चाहिए इन बॉटल्स को, इनकी शान ख़राब हो जाती है, ये मिल्की हो जाती हैं, इनकी ब्यूटी नहीं रहती, फिर ये दूधिया हो जाती हैं। तो हम हमेशा ये करते हैं कि यहाँ से डालते हैं डिश वॉशिंग लिक्विड और हॉट वाटर जो है उसको खोलते हैं, उसके बाद उसको बंद करके शेक कर लेते हैं। और दूसरी बात ये कि हमने कभी रखी नहीं ये, हमने अगर बच्चे को जूस दिया है, उसने छोड़ा है, हमने उसी वक्त धोया है, हमने बच्चे को दूध पिलाया है, हमने उसी वक्त आके धोया है। तो ये नहीं कि रात तक आपकी फीलिंग बॉटल गंदी पड़ी है और आप आके ऐसे रिंस करके जैसे हमने किया चले गए, तो ये सिलसिले यहाँ पर नहीं थे, ना हम बच्चों की ये चीज़ बर्दाश्त करते हैं। अपने घर हैं, जो मर्जी करें, हमें कोई गरज नहीं है, लेकिन इस घर की छत के नीचे आप बच्चे को पिलाएं, ख़त्म करें, आप धो लें। तो ये जो आपने देखा, तो इसमें बल्कि फ़ायदा बाज़ दफ़ा ये भी होता है कि हम इसको, ये जो सोप है काफ़ी सारा, इसको दूसरे में उलट देते हैं, क्योंकि बाज़ दफ़ा बच्चे ने पानी ही इनमें पिया होता है। तो ये हम बिल्कुल पसंद नहीं करते कि ये लिड्स वगैरह जो हैं बच्चे की, ये मिल्की हो, हेजी हो, चमकती ना रहें, जब तक बच्चे के यूज़ में है ये नई की नई होनी चाहिए। तो हम फीडिंग बॉटल का इस्तेमाल जो है, चाहे कोई भी हो, चाहे ये डिस्पोजेबल हो ना हो, हमें बिल्कुल पसंद नहीं है। माँ का जो सलीका है, न्यू मम का, वो सबसे पहले फीडिंग बॉटल में दिखता है। हमारे घर में फीडिंग बॉटल धोने वाले ब्रशेज जो हैं वो कभी नहीं रहे, ना हमने कभी यूज़ किए हैं। तो इस तरह का, तो इसी तरह पर इसकी जो निपल है ये देखें, साफ़ सुथरी, आप इसमें डालें, हम इसमें डायरेक्ट ही डिश वॉशिंग लिक्विड डालते हैं और इसको ग्लव से ऐसे मल लेते हैं और हॉट वाटर से अच्छी तरह धो लेते हैं। बाकी स्टरलाइज वगैरह जिनको शौक है वो कर लें, हम ऐसी इन फजूलियात के कायल नहीं हैं। हमने तो उसी वक्त पिलाया है, उसी वक्त बर्तन धोया है, रख दिया है, कभी होता था कि हम कर लें, लेकिन ऐसे नहीं कि कोई, बच्चों के लिए स्टरलाइज़र भी ख़रीदे हैं, ऐवान के लिए भी ख़रीदे हैं, लेकिन क्योंकि डिस्पोजेबल लाइनर्स होते हैं वो तो फेंक देते हैं,
हम इसमें तो अभी लगे ही हुए हैं, एक दो दफा इसमें बच्चा पी लेता है फिर इसको फेंक दिया जाता है। इससे हम कभी गर्म नहीं करते इसको माइक्रोवेव में रख के। ग्लास का जो कप है, जो मेजरिंग कप होता है, उसमें दूध डाल के हम गर्म करते हैं और फिर उसको इस बॉटल में डाल के बच्चे को देते हैं। तो इनके बारे में जो नेगेटिव फीडबैक होता है कि ऐसे यूज़ किया वैसे यूज़ किया, तो इनके बारे में आप पढ़ें बजाय इसके कि आप सुनी सुनाई की बात करें कि ये हैं और ख़तरनाक है और अनसेफ हैं और पुरानी हो गई और ये क्यों किया वो क्यों किया। ऐसे लोगों की बातों पे कान ना धरें, ना यहाँ के कमेंट्स को पढ़ के सीरियसली लें। रीड अबाउट इट कि ये जो लाइनर्स हैं ये किस चीज़ के बने होते हैं और बच्चों के लिए सेफ हैं कि नहीं। ऑथेंटिक वेबसाइट से कहे सुने पे ना आ जाएं, इंटरनेट तो जगह ही ऐसी है जो आपको बहका देती है। तो ये छोटी छोटी टिप्स थी, छोटे छोटे सलीके की जो हम घर में प्रैक्टिस करते हैं और करनी चाहिए। तो माओं को ये सुस्तियां जेब नहीं देती, उनके आगे अभी बहुत लंबा सफर है जो उन्होंने तय करना है। तो आप हिम्मत किया करें, बच्चे ने दूध पिया आप उसी वक्त उठें और धोएं। फीडिंग बॉटल्स बच्चों की बेड साइड टेबल्स पे रखी होती हैं, दूध वाली या उसकी लिड ना हो। हमें अगर गुस्सा चढ़ाना है किसी ने घर में तो बस हमें लिड के बगैर कहीं रखी हुई फीडिंग बॉटल दिखा दे, बस हम फिर शुरू हो जाएंगे। तो ये चीज़ें जो हैं कि हम घर में बिल्कुल टॉलरेट नहीं करते। तो अभी नए गिलास निकाल के लाए थे, बेटी कह रही थी ख़त्म हो रहे हैं अलमारी में से। तो हम आपको जैसे कि हमने बताया है कि हम एक दो चीज़ नहीं लेते, हम 200 गिलास खरीद लाएंगे एक से, ताकि हमारा जो रन है साल दो साल तीन साल का वो रहे। आप देखें रंग बिरंगे नहीं हैं यहाँ, तो ये सारे जो हैं ये लॉट दोनों साइज़ की हमने ली थी। ये क्रिस्टल के हैं ये ग्लास जो हैं, तो ये दो, और ये हमने क्यों लिए हैं कि ये एक दूसरे के अंदर आ जाते हैं, स्टैक कर सकते हैं आप। ये देखें कोई गिलास हम यहाँ ऐसा नहीं लेंगे अपनी अलमारी के लिए जो हम स्टैक ना कर सकें। तो ये तीन तीन गिलास जो हैं यूँ, और स्टैक होने पर ये फंसे नहीं। ये खूबी हमको चाहिए, चाहे हमें कितने की भी वो चीज़ मिले, अच्छी क्वालिटी का हो और स्टैक होने वाला हो। हाँ मेहमानों के लिए, ये देखें ये ऐसे गिलास हैं, यहाँ भी तो देखें ना किसी ने रख दिए हैं अकलमंद ने, ये वाले ये यहाँ नहीं रखे जाने चाहिए, तभी तो बेटी कह रही थी कम हो रहे हैं। तो यहाँ वाले जो हैं ये गेस्ट्स के हैं ये वाले, तो ये स्टैक हो ना हो वो अच्छी क्वालिटी के हम लेके रख लेते हैं। ये वाले जो हैं ये स्टैक होने वाले हमें चाहिए होते हैं, बड़े भी हो जाते हैं इसमें स्टैक और छोटे भी हो जाते हैं, ताकि एक जगह पे जहाँ 12 गिलास होने आना है वहाँ पर 36 गिलास आए। इस तरह है फ़ायदा इनका। तो ये हैं छोटी छोटी चीज़ें जब आपने घर बनाना है। तो ये ना करें कि आप दो ला रहे हैं चार ला रहे हैं, एक डब्बा अच्छा लगा ले आए और आपके घर में एक तबाही ही आए रहे। तो एक सी चीज़ लेनी है, आप देखें सारे एक से हैं, देखा आपने पूरी अलमारी भरी हुई है बिल्कुल एक से गिलासों की, ये भी पूरी भरी हुई है एक से गिलासों की। तो रंग बिरंगी चीजें हम घर में ना लाते हैं बहुत सारी लाते हैं, खत्म हो गई वो और स्टॉक पे से निकाल लाए। तो ये लास्ट हैं, इसके बाद इन गिलासों के बाद जब ये चार छह रह जाएंगे तो हाउसकीपर से पूछ लेंगे, किसी से भी पूछ लेंगे, किसी को चाहिए तो ले जाओ वो ले जाएगा। कोई कोई चीज ऐसी है जो हम नहीं देते, जैसे ये वाले कप्स जो हैं ये हमें बहुत पसंद है, ये देखिए बहुत खूबसूरत लगते हैं हमको। ये छोटे स्टबी भी थे ऐसे और ऐसे भी, तो ख़त्म हो गए, दो तीन ही रह गए, लेकिन ये हमने दिए नहीं क्योंकि हमें ये बहुत पसंद है, यादगार हैं। बाकी ऐसी चीज़ जो हो आम वो हम दे देते हैं, चार छः रह गए तो ले जाओ, बाकी हम फिर नया स्टॉक इसी तरह 200 गिलास ले आएंगे, फिर ख़त्म होते रहेंगे और निकालते रहेंगे। तो अलमारी को टॉप अप करते रहते हैं जो दिन की रन में हमारे कप्स होते हैं, फिर जब उससे थकेंगे फिर नया स्टॉक आ जाएगा। तो जब आपके घर में रंग बिरंगी प्यालियाँ हों, रंग बिरंगी प्लेटें हों, रंग बिरंगे गिलास हों, तो आपकी अलमारियाँ जो हैं वो उबल उबल के फिर बाहर आने लगती हैं। तो ये काम नहीं करना है, ये काम फ़ायदे का नहीं है, नुकसान का है, एक मुसीबत पड़ी रहती है घर में। तो ये नहीं है कि हमारे पास खुला है कि हम अफोर्ड कर सकते हैं तो ले रहे हैं, हर शख्स अपनी इस्तेताद के मुताबिक अफोर्ड कर सकता है। 50-50 पैसे का कप भी मिल जाता है, जिसने सलीका अपनाना है वो 50 पैसे वाला ले ले। हर चीज़ दुनिया में अवेलेबल है, हर कीमत की दुनिया में अवेलेबल है। ज़रूरी नहीं है कि आप क्रिस्टल ही लें, जिसको नहीं तौफीक वो सस्ता ले ले, जिसको है वो 200 की प्याली भी ले सकता है। तो ये वो चीज़ें हैं जिन पर फोकस करना चाहिए। सलीका पैसे का मोहताज नहीं है। बोतल माँ की बेड साइड टेबल पर दूध की भरी हुई रखी हुई है, चाहे वो गरीब माँ है चाहे वो अमीर माँ है बद सलीका।
तो ये चीजें जो हैं उन पर तवज्जो दें ताकि एक सलीके से जिंदगी गुजारें, सक्सेसफुल जिंदगी गुजारें, अच्छी औलाद पालें और अच्छी बेटियां अच्छे बच्चे छोड़कर जाएं दुनिया को एक बेटर प्लेस बनाकर। ये छोटी छोटी चीजें हैं जिनको अपनाते हुए जब आप अपने घरों से निकलेंगे, अपनी नस्लों को पालेंगे, कूड़ा आपको पड़ा हुआ रास्ते पर भी दिखेगा तो आप उठाएंगे। ये चीजें अपने घर से शुरू करें ताकि आपकी स्ट्रीट्स पर दिखाई दें। तो ये दो थी चंद बातें, इसके साथ ही हमें इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज़।